भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल अहमद कादरी ने शहर के जन्नत पैलेस में एक प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिहार में नीतीश कुमार दंगा करवाना चाहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया। सासाराम में जो दंगा हुआ वह सरकार द्वारा कराया गया था। महागठबंधन की सरकार में बिहार शरीफ में भी दंगा कराने का प्रयास किया गया। जब तक भाजपा के साथ थे तो बिहार में एक भी दंगा नहीं हुआ और एक पत्थर रामनवमी में भी नहीं चला। नीतीश कुमार बिहार को जलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार आठवीं और नौवीं फेल की बात सुनते हैं। रामायण और गीता की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती है। साधु संतों की बातों से उन्हें परहेज है। बिहार को जलाना चाहते हैं, इसलिए वह बागेश्वर धाम वाले नरेंद्र शास्त्री को बिहार आने से रोकना चाहते हैं। लेकिन बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग, सारे मुस्लिम समाज के लोग नीतीश कुमार और उनके महागठबंधन की नीयत को पहचान चुके हैं। आज जो केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यही राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में जाइए, राम राज्य। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां राम राज्य। हर गरीब की चिंता, हर गरीब की सुविधा, यही तो राम राज्य है जो मोदी जी कर रहे हैं। किंतु नीतीश कुमार बिहार को जलाना चाहते हैं, दंगा की आग में झोंकना चाहते हैं। पीएम मटेरियल नहीं, पीएम का मतलब पलटीमार नीतीश कुमार। आज हम सभी मुस्लिम समुदाय के लोग घूम घूम कर जनसंवाद कर नीतीश कुमार की मंशा अल्पसंख्यक के शोषण, उनकी आवाज को दबाने और बिहार में जो दंगा कराने का प्रयास किया है उसे पूरे बिहार की जनता को घूम घूम कर बताने का काम कर रहे हैं। आगामी 2024 से नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा और 2025 में बिहार में कहीं भी नीतीश कुमार का नामो निशान लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। उनके साथ साथ महागठबंधन का भी सफाया हो जाएगा। आज की इस प्रेस वार्ता में मोर्चा के उपाध्यक्ष सरवर जमाल, जिला महामंत्री विवेक कुमार सिंह एवं नगर अध्यक्ष राजेश फैशन उपस्थित थे। डीएसएस आरएसएस के तल पे एक संगठन बनाया है और लाठी लेकर उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संघ को उनके पिताजी समझ गए हैं और ये उनके पुत्र हैं, ये नहीं समझ पाएंगे। पिताजी कब समझे, जब बिहार से वो हार करके गोरिया बिस्तर भाग दिए, उनकी पार्टी का सफाया हो गया। आज उनके पुत्र लोग आए हैं और बाप बेटा दोनों मिलकर के बिहार की धरती पर युद्ध लड़ने के लिए आए हैं। हम तो कहते हैं कि उनको तो पहली बार हम लोगों ने पराजय किया और फिर यहाँ सरकार एनडीए की बनी बहुत लंबे काल तक और हम लोगों ने नीतीश कुमार ने को दिया था और यहाँ से वो पलटी मार के गए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप हो या लालू जी हो या नीतीश कुमार की हो, हम लोगों ने नहीं, गोपालगंज की जनता ने उनको हराया। हम लोगों ने नहीं, रन्नी की जनता ने उनको हराया और मोकामा में चुनाव जब वो जीते आनंद बाबू, तो वहां व्यक्ति जीता। महागठबंधन चुनाव हार चुकी है, वहाँ नीतीश जी चुनाव हार चुके हैं, वहाँ लालू जी का कुंबा और उनकी पार्टी चुनाव हार चुकी है, वहाँ व्यक्ति जीता है। तो उसी वक्त से ये सारे लोग परेशान हैं और हिसाब किताब लिया जा रहा है नीतीश कुमार जी से। और अभी जमीन है
कि पंडित वीरेंद्र शास्त्री को ये पता होना चाहिए कि बिहार में सरकार किसकी है। हम सब भारत माता की कोख के जन्मे हुए सहोदर भाई हैं। हम सब मिल करके स्वागत करेंगे ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर का। हमारा अभियान चल रहा है सूफी संवाद का। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारी धरती पर ईश्वरीय बात को बताने के लिए, ईश्वरीय पाठ को पढ़ाने के लिए, राष्ट्रभक्ति गिनवाने के लिए, समझाने के लिए धाम से कोई आ रहे हैं। हम लोग उनका सम्मान करेंगे। सभी धर्म सभी जात पात से ऊपर उठ करके सब लोग उनके स्वागत में लगेंगे और हरेक साधु की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है और वो कर्तव्य धर्म के तबार से है। हम लोग सम्मान करेंगे। क्या क्या आप क्या नसीहत देंगे ऐसे लोगों को जो संत का आना खराब मानते हैं, उन्हें आने? संत पीर फकीर जितने होते हैं जात पात और धर्म से ऊपर उठकर जो भी बीमार आता है उसके लिए अगर हिंदू धर्म का कोई ऋषि मुनि साधु संत है तो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उनका कारोबार ठीक हो जाए, उनका परिवार ठीक हो जाए, उनका व्यापार ठीक हो जाए। अगर कोई मुसलमान के पास किसी भी जात पात और धर्म का रहने वाला हो और मानने वाला हो और मुसलमान के पास जाता था तो वो दुआएं मांगता है और वो पीर फकीर उनके लिए दुआएं देते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो आज ये देश का प्रधानमंत्री ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर को सम्मानित जब करने चले हैं तो बिहार की महागठबंधन की सरकार किसी फकीर को आने से रोक रही है, किसी साधु को आने से रोक रही है। इसका मतलब ये है कि ये लोग किसकी बात सुनते हैं? नीतीश जी आठवां फेल जो है उसकी बात को सुन रहे हैं, नौवा जो फेल है उसकी बात को सुन रहे हैं, राबड़ी देवी जी जाहिल हैं उनकी बात को सुन रहे हैं, लालू प्रसाद जी करप्शन में मुब्तला है उनकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन रामायण को नहीं सुनना चाहते, गीता को नहीं सुनना चाहते और ऋषि मुनि की जो बातें हैं अच्छी वाणी है उसको सुनना नहीं चाहते। ये केवल उन बातों को सुनना चाहते हैं जिन बातों के सुनने के बाद आदमी घोटालेबाज बन जाए, आदमी करप्ट बन जाए, मनुष्य भ्रष्ट बन जाए। उन्हीं बातों को सुन रहे हैं जब से वो महागठबंधन में गए हैं। उनको मौका नहीं मिलता है कि किसी साधु संत पीर फकीर ऋषि मुनि के पास जाए। अगर जाते तो करप्शन मुक्त हो जाता बिहार, जाते तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता बिहार, अगर जाते तो बिहार में दंगा और फसाद नहीं होता। बिहार तबाही के दहाने पे खड़ा है। जो बिहार पूरे देश की राजनीति के दशा और दिशा को ठीक करता है वह बिहार आज लचर रहा है, शर्मिंदा है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के आरसीपी सिंह ने हर जगह बोला है कि वो पीएम मटेरियल हो गए। तो अर्थ उन्होंने बताया है पी का मतलब पलटी, एम का मतलब मार, पलटी मार। माहिर व्यक्ति अगर कोई जन्म लिया है तो बिहार में जन्म लिया है और 24 में इनका सुफरा साफ होगा, 25 में महागठबंधन का सुफरा साफ होगा। इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज आए हैं सूफी संवाद करने के लिए और जा रहे हैं रिविलगंज। वो भी ऋषि मुनि साधु संत पीर फकीर की स्थली है, वहाँ नमन करेंगे और माइनोरिटीज हम लोग मिल करके रात में फिर लौटेंगे। हमारे जनता पार्टी के उपाध्यक्ष अभी अली जनाब इज्जत मां। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष तुफैल अहमद कादिर ने
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।